दोस्तों हम देख रहे हैं कि एक 10th 11th ईयर तक जो है तो एक नॉर्मल स्किन होती है अपनी, और उसी के बाद कुछ 11th 12th ईयर्स के बाद जो है तो स्किन पर पिंपल्स आना स्टार्ट होते हैं, और वो बहुत तकरीबन 20 और 25 30 ईयर्स तक वो पिंपल्स एक्ने रहते हैं, और जिसके कारण उसके कुछ स्पॉट भी हमारे स्किन पर रहते हैं। तो दोस्तों एक्ने वल्गरिस या एक्ने क्यों होता है, उसी के लिए क्या पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं, और उसके लिए परमानेंट क्या मेडिसिन है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर सद्दाम आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक्ने, और इसको एक्ने वल्गरिस भी कहा जाता है, ये क्या होता है? एक्ने और एक्ने वल्गरिस जो थे कंडीशन है, इन्फ्लामेटरी स्टेज है या इन्फेक्टिव स्टेज है, जो सेबेसियस ग्लैंड होते हैं हमारे स्किन पे, छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं उसके अंदर जो है तो सेबेसियस ग्लैंड होती है, जो हमारे स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए, हमारे स्किन को ड्राइनेस से बचाने के लिए होती है। और इसका इन्फेक्शन हो जाता है या इसका इन्फ्लामेटरी स्टेज हो जाती है, उसको जो है तो एक्ने वल्गरिस कहा जाता है। दोस्तों इसका क्या कॉज होते हैं, जिसके कारण जो है तो हमारे फेस पे पिंपल्स आना स्टार्ट होते हैं, इस बारे में आपको बताऊंगा कि दोस्तों डे बाय डे ये हो रहा है कि एज अ एज जो है तो 11th और 12th के बाद जो है तो पिंपल्स बढ़ रहे, क्योंकि डर्ट फर्स्ट कॉज जो है तो वो है डर्ट, बाहर की धूल मिट्टी और या इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो स्किन के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। इसी के साथ साथ प्यूबर्टी है, मतलब जो है तो एक सेकंड एडोलेसेंस स्टेज के बाद जो एज शुरू होता है वो होता है प्यूबर्टी है, जिसके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जैसे कि मस्टैच मतलब मूछ दाढ़ी और बहुत सारे एक्सलर हेयर जो है तो डेवलपमेंट होता है। उस वक्त जो है तो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, कुछ हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, कुछ हार्मोन्स कम हो जाते हैं, उस वक्त जो है तो हमारे हेयर फॉलिकल्स या जो सेबेसियस ग्लैंड होता है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, और उस वक्त जो है तो पिंपल्स आना स्टार्ट होते हैं। ये सेकंड कॉज है हार्मोनल इम्बैलेंस। उसके बाद जो है तो सेक्स हार्मोन जो है तो वो भी हमारे जो है तो इम्बैलेंस हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं, उसके कारण भी जो है तो एक्ने आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये कुछ कॉमनली कॉजेस हैं जो एक्ने के लिए पाए जाते हैं, लेकिन ये तो कुछ 11 से 15 डेज तक की, और सेक्स हार्मोन्स या प्यूबर्टी एज, ये 2-3 कॉजेस है, लेकिन मेन कॉज जो है एक्ने के लिए वो है ऑयली फेस होना, और सेकंड कॉज जो है वो है डर्ट की बहुत ज़्यादा बाहर की धूल मिट्टी स्किन पर चेहरे पर जमा हो जाना, और उसके बाद उसकी वजह से जो है तो हमारे स्किन के जो है तो टिश्यूज़ है वो डेड हो जाते हैं, और वो डेड टिश्यू होने की वजह से हमें जो है तो ड्राई जो है तो डीप सिस्ट हो जाता है, मतलब एक्ने आ जाती है, उसके अंदर पस फॉर्मेशन हो जाता है, ये जो है तो डर्ट के कारण होता है। तो जैसे कि ब्लैक हेड्स है, वाइट हेड्स है, या पिंपल्स है और डीप सिस्ट है, ये 4 टाइप है एक्ने के जो कॉमनली हमें पाए जाते हैं। दोस्तों चलिए मैं आपको होम्योपैथिक लोशन जो मैं आप जैसे हेडिंग दी मैंने वीडियो की, वो कौन सा लोशन है जिसके बाद आपको 100% एक्ने पे रिजल्ट मिलेगा वो आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो है तो 4 होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आपको होम्योपैथिक फार्मेसी से परचेस करना है। फर्स्ट मेडिसिन है बर्बेरिस एक्विफोलियम मदर टिंचर, सेकेंड मेडिसिन है लेडमपाल मदर टिंचर, थर्ड मेडिसिन है इकाइनेसिया मदर टिंचर, एंड फोर्थ मेडिसिन है बेलिस्पर मदर टिंचर। ये 4 मेडिसिन है आपको होम्योपैथिक फार्मेसी से परचेस करना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी स्किन पहले से ऑयली होने का प्रॉब्लम है या आपकी स्किन ऑयली होती है तो आपको ये 4 मेडिसिन से क्या करना है कि आपको एक 20 ml वाटर लेना है, ठीक है। 20 ml वाटर लेना है, 20 ml वाटर में आपको ये 4 मेडिसिन में से 5 ml लेना है, मतलब जैसे कि बर्बेरिस एक्विफोलियम में से 5 ml लेना है, इकाइनेसिया में से 5 ml लेना है, लेडमफाल में से 5 ml लेना है, और बेलिस्पर में से 5 ml लेना है। मतलब आपको ये मेडिसिन 5 5, मतलब ये 20 ml मेडिसिन होगा और 20 ml जो है तो वाटर होना है, तो ऐसा 40 ml ये पूरा आपका डायल्यूशन बन जाएगा, ओके। ये किसके लिए है? ये है जिसकी स्किन ऑयली होती है उसके लिए वाटर में लेना है, और जिसकी स्किन ऑयली नहीं होती है उसको जो है तो आपको ऑयली नहीं है लेकिन पिंपल्स है उनके लिए आपको ये करना है कि जैसे कि मैंने ये 40 ml डाइल्यूशंस 4 मेडिसिन के, सॉरी ये 20 ml डाइल्यूशंस 4 मेडिसिन के, और मस्टर्ड ऑयल जो है तो आपको 20 ml लेना है, मतलब ये 40 ml डाइल्यूशन होगा ये जो आप बनाए मेडिसिन। उसके बाद आपको जो है तो इसका आपको एप्लीकेशन करना है
2 टाइम्स अ डे, मतलब आपको सुबह जो है तो थोड़ा सा इसमें से लोशन लेना है और आपके फेस पर लगाना है, कुछ देर तक रहने देना है, उसके बाद जो है तो आपको फेस वॉश करना है। लेकिन ये मेडिसिन लोशन लगाने से पहले आपको अच्छे से आपका फेस को वॉश करके लेना है, कोई भी सोप से या डेटॉल सोप से भी आप अगर आपके फेस को वॉश कर ले, उसके बाद आपको जो है लोशन लगाना है। अगर आपको इससे और कोई प्रॉब्लम आता है या और कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी डाल दीजिए। तो और नॉलेजेबल वीडियोस, और मैं वीडियोस देखकर आ रहा हूँ बहुत सारे, और कुछ दिनों में लाइव जो है तो क्लीनिंग भी स्टार्ट करने वाला हूँ, और कुछ मेरे केसेस हैं जो बहुत अच्छे से रिजल्ट आए हैं, वो केस भी मैं आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे से बने रहने के लिए और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और आपके कोई रिलेटिव्स है जिसको कुछ प्रॉब्लम है उसको प्लीज़ मेरा जो है तो वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।